सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। नोएडा भारत में दिल्ली से सटा एक उपनगरीय क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी जनसंख्या करीब 5 लाख है और यह 203 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका नाम अंग्रेजी के नोएडा भारत में दिल्ली से सटा एक उपनगरीय क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी जनसंख्या करीब 5 लाख है और यह 203 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका नाम अंग्रेजी के न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के संक्षिप्तीकरण से बना है, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसका आधिकारिक नाम गौतम बुधवार नगर है। ये विभिन्न सेक्टरों में बसा हुआ है। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण हिंदी, नई ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए लघु नोएडा, नई ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसे नोएडा भी कहा जाता है के प्रबंधन के तहत एक व्यवस्थित योजनाबद्ध भारतीय शहर है। यह भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। नोएडा 17 अप्रैल 1976 को प्रशासनिक अस्तित्व में आया, इसलिए 17 अप्रैल को नोएडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोएडा विवादास्पद आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान शहरीकरण पर जोर के तहत स्थापित किया गया था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र और कांग्रेस नेता संजय गांधी की पहल से यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के तहत बनाया गया था। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के संक्षिप्तीकरण से बना है, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसका आधिकारिक नाम गौतम बुधवार नगर है। ये विभिन्न सेक्टरों में बसा हुआ है। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण हिंदी, नई ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए लघु नोएडा, नई ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसे नोएडा भी कहा जाता है के प्रबंधन के तहत एक व्यवस्थित योजनाबद्ध भारतीय शहर है। यह भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। नोएडा 17 अप्रैल 1976 को प्रशासनिक अस्तित्व में आया, इसलिए 17 अप्रैल को नोएडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोएडा विवादास्पद आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान शहरीकरण पर जोर के तहत स्थापित किया गया था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र और कांग्रेस नेता संजय गांधी की पहल से यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के तहत बनाया गया था।